ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में भी बंगाल में हिंसा का दौर खत्म नहीं हुआ है। चुनावों के बीच बंगाल में कई जगहों से हिंसा की खबरें आई, जिनमें से बंगाल में बवाल की चार तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां कोलकाता में बीजेपी उम्मीदवार राहुल सिन्हा के खिलाफ टीएमसी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, तो वहीं जाधवपुर में हिंसक झड़प देखने को मिली। बीजेपी उम्मीदवार अनुपम हाजरा ने आरोप लगाया कि टीएमसी के गुंडों ने बीजेपी के मंडल अध्यक्ष को पीटा, उनकी गाड़ी और ड्राइवर पर हमला किया। तो वहीं बारासात में भी हंगामा देखने को मिला, जहां पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। तो वहीं बसीरहाट की बात करें तो जनता ने हंगामा किया। चार तस्वीरें पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल की बात करें तो लगातार सातों फेजों में यहाँ पर हिंसा की खबरें और तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाते रहे हैं, लगातार खबरें आती रही हैं। कोलकाता की तस्वीर पहली तस्वीर कोलकाता की, जहां पर टीएमसी का विरोध साफ तौर पर, और जाधवपुर झड़प और तोड़फोड़ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से कारों के शीशे तोड़े गए हैं ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। बारासात की तस्वीरें, जहां पर प्रशासन की तरफ से लाठीचार्ज किया गया, हंगामा किया जा रहा था, जिसके बाद लाठीचार्ज किया गया प्रशासन की तरफ से। बसीरहाट की तस्वीरें, जहां पर जनता की तरफ से हंगामा किया गया, ये चार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल, जहां पर हिंसा की तस्वीरें लगातार सातों फेजों में आती रही हैं।